Okay, shall we start? चलिए. Okay, now we are going to start a very, very, very important chapter, mutual fund. इससे मिलता जुलता क्या पढ़ा था अभी हम लोगों ने? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, ठीक है? उसी से मिलता जुलता, उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है म्यूचुअल फंड्स, ठीक है? तो एज आई ऑलवेज से, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है? देखिए, म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बेसिक बात करें, सीआईएस में भी हमने आपको यही चीज बताई थी. जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे आप अगर अभी शेयर मार्केट में या कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहें, तो आपके सामने दो प्रॉब्लम्स अराइज होंगी. सबसे पहली प्रॉब्लम, जितना पैसा लगाना है मार्केट में उतना पैसा आपके पास नहीं है, यानी आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कम है, ठीक है? दूसरी चीज, मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास वो एक्सपर्टाइज नहीं है. ये दो शॉर्टकमिंग्स होती हैं छोटे इन्वेस्टर्स के पास. तो उन छोटे इन्वेस्टर्स ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग अपना फंड जो है क्यूमुलेट कर लेते हैं और किसी ऐसे पर्सन को देते हैं जो पर्सन मार्केट में इन्वेस्ट कर सके. तो आप लोग ने अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके हमको दे दिया. आपने कहा, मैम आपको मार्केट की नॉलेज है और हम सबके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स को क्यूमुलेट करके एक बड़ा अमाउंट क्रिएट हो गया. हमने वो पैसा कहाँ लगा दिया? मार्केट में. यानी हम कौन हो गए? म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड का बेसिक मतलब क्या है? एक फंड जो म्यूचुअली क्रिएट किया गया है. म्यूचुअली मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक फंड क्रिएट किया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड भी पैसा वहीं लगाता है जहां नॉर्मल मार्केट लगाती है. यानी अगर हम ये कहते हैं, आप लोग ने कई बार न्यूज वगैरह में भी सुना होगा या एड में सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सेफ होते हैं. सुना है, एड आता है. एग्जैक्टली, म्यूचुअल फंड सेफ तो होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी ने या सेबी ने कहा है सेफ तो है, लेकिन म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. ये एक लाइन है जो हम लोग ने अक्सर सुनी है टीवी पे, है ना? जरा उस लाइन को डिटेल में समझते हैं. म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हम शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते, हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं. बट म्यूचुअल फंड भी अल्टीमेटली पैसा कहाँ लगा रहा है? मार्केट में, ठीक है? और जो पैसा भी मार्केट में लगा है वो एनी हाउ सेफ नहीं हो सकता. बस म्यूचुअल फंड को कंपेरेटिवली सेफ क्यों कहते हैं, जरा समझिए. सबसे पहली चीज, आपने अकेले पैसा नहीं लगाया है, आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है, तो जो रिस्क होती है वो डाइवर्सिफाई हो गई, ठीक है? आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया, आपने 10 कंपनी में 10-10 हजार रुपए लगाए. डिफरेंस समझ में आया? अगर आपने एक कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया, तो ऑब्वियसली वहां पर रिस्क ज्यादा है. अगर वो कंपनी डूब जाती है तो आपका पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट चला जाएगा. लेकिन आपने क्या किया, किसी एक कंपनी में लगाने की बजाय आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया. पोर्टफोलियो का मतलब समझे? पोर्टफोलियो इज बेसिकली अ कलेक्शन, एक बैग. आपने क्या कहा, आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दे दिया और म्यूचुअल फंड कंपनी किसी एक कंपनी में पैसा नहीं लगाती, उसने आपके पैसे को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया. अब एक डूब जाएगी, दो डूब जाएगी, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सारी की सारी कंपनीज डूब गए. यानी रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कंपेरेटिवली हमारे प्रॉफिट्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं. दूसरा, आपका पैसा आप खुद नहीं लगा रहे हैं. क्या आपको इतनी नॉलेज है कि किस कंपनी में लगाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं लगाना चाहिए? नो. तो आपने कहा कि भाई हम अपना पैसा एक्सपर्ट को दे दे रहे. उस एक्सपर्ट का काम ही यही है कि वो मार्केट स्टडी करेगा, मार्केट रिसर्च करेगा और फिर उस हिसाब से पैसा लगाएगा. तो कंपेरेटिवली इंडिविजुअल का लगाया हुआ पैसा या एक्सपर्ट का लगाया हुआ पैसा, किसके ज्यादा चांसेस हैं प्रॉफिट होने के? एक्सपर्ट की. इन दो रीजंस की वजह से कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड सेफ है. लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे, कभी डूबेगा नहीं, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. लोगों को इनिशियली यही लगता था कि म्यूचुअल फंड में लगाना सेफ है, स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? इसीलिए सेबी ने वो नोटिफिकेशन डाल दिया कि म्यूचुअल फंड आर आल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. अगर मार्केट डाउन जाएगा तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड भी डाउन जाएगा. तो म्यूचुअल फंड भी मार्केट में ही पैसा लगाने का एक तरीका है. हम इंडिविजुअली लगाते हैं, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है. हमने अपने पैसे को कलेक्ट करके म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दिया. कंपनी के अंदर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने मार्केट रिसर्च करी हुई है, वो उस पैसे को अलग अलग जगह लगाते हैं, किसी एक कंपनी में नहीं लगाते, ठीक है? और इस वजह से लॉस होने के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ओके? तो म्यूचुअल फंड भी एक तरीका है जहां अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट कहां हो रही है? मार्केट में, ओके? नाउ
आप अगर जरा इसके सिनेरियो को देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। इन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा किसको दिया? फंड को, ठीक है। ये एक फंड बनाया, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग बात कर रहे थे किसकी, सीआईएस की। ये है फंड, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं। और इसको, इसके आगे इस म्यूचुअल फंड ने पैसा कहां लगा दिया, मार्केट में, ठीक है। ये सीधी सी बात है। अब मार्केट से रिटर्न जो जेनरेट होगा, वो रिटर्न ये म्यूचुअल फंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी किसमें, इन्वेस्टर्स में। ओके, अगेन, जिस भी इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, वो पैसा लगाने के बदले में उसको क्या अलॉट हुई होगी, यूनिट, ठीक है। जैसे हम किसी शेयर, किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, जब हम कंपनी को पैसा देते हैं तो बदले में कंपनी हमको क्या देती है, शेयर। वैसे ही जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी हमको क्या दे देती है, यूनिट। उसका रीजन समझिए, इस म्यूचुअल फंड कंपनी ने तो अलग अलग जगह पैसा लगाया है, अलग अलग कंपनी के शेयर ले रखे होंगे। क्या म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए ये पॉसिबल है कि वो कंपनी के शेयर बांट दे इन लोगों को? नो। इसलिए वो क्या करती है, वो कहती है कि भैया हमने मार्केट में पैसा लगाया है, शेयर वेयर सब हमारे पास रहने दो, हम तुमको क्या दे देंगे, यूनिट। अब म्यूचुअल फंड कंपनी ने कहा कि मेरी जो एक यूनिट है वो लेट से 10 रुपए की है, अगर इन्होंने 10 रुपए लगाए तो इनको एक यूनिट मिल जाएगी, इन्होंने 20 रुपए लगाए हैं इनको 2 यूनिट मिल जाएगी, इन्होंने 100 रुपए लगाए हैं तो इनको 10 यूनिट मिल जाएगी। यानी कि एक कॉमन क्राइटेरिया हो गया, जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा देते हैं तो हमें यूनिट्स अलॉट होती हैं, और जब हम ये यूनिट्स रिडीम करेंगे तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ। रिडीम होने का मतलब क्या हुआ, यूनिट हम म्यूचुअल फंड को वापस कर देंगे और म्यूचुअल फंड कंपनी हमको उस दिन के प्राइस के हिसाब से पैसा दे देगी, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ही हम कंपनी के शेयर में पैसा लगाते हैं और शेयर को रिडीम करते हैं। तो जिस दिन आपने कहा कि आज हम म्यूचुअल फंड की यूनिट्स रिडीम करना चाहते हैं, आप उस दिन अपनी यूनिट्स जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनी को वापस कर दीजिए और बदले में म्यूचुअल फंड कंपनी उस दिन के प्राइस के हिसाब से आपको पेमेंट कर देगी, ठीक है, फाइन। अब जरा देखते हैं इस म्यूचुअल फंड कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीआईएस में भी देखा था। हमने आपको ये बताया था कि म्यूचुअल फंड भी एक तरीके का सीआईएस ही है, बस हम लोग म्यूचुअल फंड को अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए सेपरेट रेगुलेशंस दे रखे हैं, ठीक है। अब जरा इसके सिनेरियो को समझते हैं, म्यूचुअल फंड में आगे क्या क्या है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में आती है 3 चीजें। सबसे पहले होती है एएमसी, जिसको हम लोग कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी में होते हैं वो एक्सपर्ट्स जो डिसाइड करते हैं कि कहां पैसा लगाना है और कहां पैसा नहीं लगाना है। लॉजिकली अगर हम लोग सोचे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब ये हमारे एसेट्स को मैनेज कर रही है, ठीक है। ये वो कंपनी है जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे जो लोगों के पैसे को डिसाइड करते हैं मार्केट रिटर्न्स के हिसाब से कि कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस पर्पस के लिए जो कंपनी बनाई गई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये सब म्यूचुअल फंड के अंदर ही आता है, ओके। इसके बाद एक होता है कस्टोडियन। नाम से बताओ जरा कस्टोडियन का काम क्या होता है, कस्टडी में चीजों को रखना, ठीक है। जितने भी कंपनी ने पैसा लगाए और पैसा लगा के शेयर्स वगैरह आए, इनकी कस्टडी किसके पास होगी, कस्टोडियन के पास, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखते हैं जो डिपॉजिटरीज होते हैं, डिपॉजिटरी शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, वो भी कस्टोडियन का काम करते हैं। तो जो डिपॉजिटरीज होते हैं वो इनके कस्टोडियन की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने मार्केट में पैसा लगाया, मार्केट में पैसा लगा के जो भी शेयर्स आए वो सब कहां रखे जाएंगे, किसके पास रखे जाएंगे, कस्टोडियन के पास, ठीक है। नाउ लोग इनसे यूनिट्स खरीदते हैं, यूनिट्स बेचते हैं। जैसे आईपीओ निकलता है शेयर का, वैसे ये भी अपने यूनिट्स की ऑफर निकालते हैं। अब किसको यूनिट अलॉट करना है, किसको रिफंड देना है, ये सब काम करने के लिए इन्होंने अपना एक आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है। तो जितना भी ये काम है कि यूनिट्स अप्लाई करनी है, यूनिट्स अलॉट करनी है, रिफंड करनी है, ट्रांसफर करनी है, ये सब लिखा पढ़ी का काम, देखने का काम कौन करता है, आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम लोग देखें तो 3 तरीके से काम हो रहा है। एक एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि मेनली कंसर्न है इन्वेस्टमेंट के लिए, कहां लगाएं कहां ना लगाएं ये सब डिसीजंस लेती है। कस्टोडियन का काम क्या होगा, जो पैसा लगा के शेयर्स आए हैं, यूनिट्स आई हैं, वो सब किसकी कस्टडी में, किसके पास रखी हुई हैं, ठीक है। एंड आरटीए इज फॉर ऑल द रजिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क,
यूनिट्स अलॉट करना है, यूनिट्स रिफंड करना है, ट्रांसफर करना है, ये सब एप्लीकेशंस वगैरह जो देखेंगे वो इस म्यूचुअल फंड के बिहाफ पे कौन देखेगा? आरटीए। एनी डाउट? ठीक है, बहुत ध्यान से समझते चलना। अब ये जो तीन लोग हैं, ये तीन लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए बताओ कौन होगा? ट्रस्टी। याद करो सीआईएस में भी था, ओके? अल्टीमेटली ये म्यूचुअल फंड कंपनी भी खुद का पैसा लगा रही है कि लोगों का? तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोगों का पैसा ले लो और पैसा लेके भाग जाओ। ये देखने के लिए किसको अपॉइंट किया जाता है? ट्रस्टी को। तो ट्रस्टी ओवरऑल ये देखता है कि एमसी अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं, कस्टोडियन अपना काम सही से कर रहा है नहीं, कि आरटीए सही से कर रहा है कि नहीं। ओवरऑल इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए जो पर्सन बैठा है वो कौन होता है? ट्रस्टी। जाहिर सी बात है, अगर ट्रस्टी है तो बताओ ट्रस्टी कौन होना चाहिए? जो इंडिपेंडेंट पर्सन हो, उसका इस कंपनी से या एएमसी से कोई लेना देना ना हो। ठीक है, चार लोग हो गए, एक एएमसी था, ठीक है, कस्टोडियन था, आरटीए था और ट्रस्टी इनको देखने के लिए। और इस पूरे म्यूचुअल फंड को बनाया है जिसने, उसको कहते हैं हम लोग स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब एक तरह से ओनर, जिसने सोचा कि हम ये पूरा म्यूचुअल फंड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहते हैं रिलायंस म्यूचुअल फंड, अब बहुत ध्यान से समझना, अगर हम आपसे कहते हैं रिलायंस म्यूचुअल फंड, तो बताओ रिलायंस म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर कौन है? रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी ने कहा कि भाई हम म्यूचुअल फंड बनाएंगे, ठीक है। अब जब रिलायंस कंपनी ने कहा कि हम म्यूचुअल फंड बनाएंगे, तो बताओ रिलायंस कंपनी को म्यूचुअल फंड बनाने के लिए क्या क्या अपॉइंट या किसको किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एएमसी अपॉइंट करेंगे, फिर कस्टोडियन अपॉइंट करेंगे, आरटीए अपॉइंट करेंगे, ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे। इन सब लोगों को मिला करके बनेगा क्या? म्यूचुअल फंड। और जिसने ये म्यूचुअल फंड बनाया है, जो ओनर है, वो क्या कहलाया जाता है? स्पॉन्सर। आगे मैं समझ में, तो एक कंपनी होगी जो इस म्यूचुअल फंड को बनाएगी, और वो कंपनी जिसने म्यूचुअल फंड बनाया है उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पॉन्सर, द ओनर। ठीक है, दिस इज द फुल मैकेनिज्म ऑफ म्यूचुअल फंड। तो अगर ध्यान से देखो तो बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स थे, उन सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा एक फंड को दिया, उस फंड का नाम क्या था? म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड काम क्या करता है? म्यूचुअल फंड उस पैसे को कहाँ लगाएगा? मार्केट में लगाएगा। अब म्यूचुअल फंड तो फंड है, इसके अंदर काम कैसे होगा? काम के लिए तीन अथॉरिटीज को अपॉइंट किया गया। सबसे पहले किसको अपॉइंट करा? एएमसी को। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो कंपनी होती है जो बेसिकली एसेट्स को मैनेज कर रही है, यानी डिसाइड कर रही है कि कहाँ पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करना है। सिक्योरिटीज की सेफ कस्टडी के लिए हमने किसको अपॉइंट किया? कस्टोडियन को, जो कि वो शेयर्स जो इन्होंने पैसा लगा के लिए हैं उनको कहाँ रखा जाएगा? डिपॉजिटरी में रखा जाएगा, जो किसकी तरह एक्ट करेगा? कस्टोडियन की तरह। और जितना भी ट्रांसफर रिलेटेड वर्क है, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क है, यूनिट्स की अलॉटमेंट है, वो सब कौन करेगा? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। ये तीनों अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने का काम कौन कर रहा है? ट्रस्टी। ट्रस्टी ओवरऑल देखेगा कि इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ कुछ भी गलत ना हो। और ये पूरा म्यूचुअल फंड का गेम जिसने रचा है, बनाया है, वो कौन होगा? स्पॉन्सर। ओके, तो अगेन फिर से एग्जांपल समझ लो। अगर हम आपसे कहते हैं रिलायंस म्यूचुअल फंड या आईडीबीआई म्यूचुअल फंड, तो रिलायंस क्या हो गया? स्पॉन्सर। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड बनाने के लिए वो एएमसी बनाएगा, स्पॉन्सर बनाएगा, आरटीए अपॉइंट करेगा, ट्रस्टी अपॉइंट करेगा, और इन सब के ऊपर लगेंगी सेबी की म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस। ऑल्दो ये भी एक तरीके का सीआईएस है, लेकिन क्योंकि इसकी सेपरेट रेगुलेशंस हैं, इसलिए हम इसको सेपरेट सेबी रेगुलेशंस में पढ़ेंगे। अब जैसे हमने आपको बोला ना, ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है मार्केट में, ठीक है, मार्केट में कैसे कैसे पैसा लगाएगा, किन स्कीम्स के थ्रू लगाएगा, कहाँ कहाँ लगाएगा, ये पूरा डिसीजन वर्क कौन करेगा? एएमसी। और इसकी होती है अलग अलग स्कीम्स। अब बताओ बेसिक बात समझ में आई क्या है यहाँ पर सिस्टम? ठीक है, अगेन इन्वेस्टर्स ने जो म्यूचुअल फंड को पैसा दिया होगा, उसके बदले में क्या उनको मिलेगी? यूनिट। जैसे होता है एक शेयर का प्राइस, वैसे ही म्यूचुअल फंड की होती है एनएवी, नेट असेट वैल्यू। ठीक है, तो आज हम म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीद रहे हैं, तो आज की जो एनएवी होगी उस हिसाब से हम खरीद लेंगे। मान लो आज 10 रुपए की एनएवी है, तो 10 रुपए के हिसाब से हमने यूनिट खरीद ली। एक महीने बाद मान लो उसकी एनएवी हो जाती है 20 रुपए, हमने कहा अब हम बेचना चाहेंगे, तो हम वो यूनिट
म्यूचुअल फंड को वापस कर देंगे और म्यूचुअल फंड कंपनी हमें उस दिन की एनएवी के हिसाब से पैसा दे देगी। ठीक है, दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ म्यूचुअल फंड। अब बताइए कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? पक्का ठीक है, बना लेंगे इसको, बाद में बना लेना, नहीं भी बनाना हो तो समझ में आ रहा है कौन कौन इसके एलिमेंट्स हैं। ओके चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ओके इंट्रोडक्शन, देखो सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि इसके ऊपर कौन सी रेगुलेशंस लग रही हैं, सेबी की म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996। एज आवर इकोनॉमी कंटिन्यूज टू ग्रो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी सर्फेसिंग एवरीवेयर। आपको पता है म्यूचुअल फंड का सोचो ओरिजिन ही क्यों हुआ, पहले के टाइम पे भी तो लोग शेयर मार्केट में डायरेक्टली भी तो पैसा लगा सकते हैं, लेकिन हो क्या रहा था, डायरेक्टली पैसा लगाने वाले बहुत कम हैं। सिर्फ वो लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है, वो लोग जो डेयरिंग है, रिस्क ले सकते हैं, वो पैसा लगाते थे। तो ये सोचा गया कि भैया शेयर मार्केट में सिर्फ वही लोग पैसा लगा रहे, सिर्फ एक 10% सेगमेंट पैसा लगाता है, वो लोग जो रिस्क लेना चाह रहे हैं, वो लोग जिनके पास ज्यादा पैसा है, लेकिन उनको कैसे इन्वॉल्व किया जाए जो स्मॉल इनकम ग्रुप्स हैं, जो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, जिनके पास कम इनकम है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उनका पैसा कैसे मंगवाया जाए मार्केट में लगाने के लिए। तब ये सोचा गया कि इनका पैसा भी लगाने के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया जाए, किस चीज का, म्यूचुअल फंड का, जिसमें इनको रिस्क भी कम होगी और अल्टीमेटली समझो तो क्या हुआ, सबका पैसा अब अल्टीमेटली कहां पहुंच गया, कंपनीज में। ओके तो ये सोच के कह रहे वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाए। अ म्यूचुअल फंड इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड, जरा शब्द देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं म्यूचुअल फंड प्रोफेशनली मैनेज्ड है। म्यूचुअल फंड को हम पैसा दे ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वहां मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स बैठे। ओके फॉर्म अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट पूल, ये जो प्रोफेशनल्स हैं ये एक फंड बना रहे हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट पूल बना रहे हैं फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स। एंड कहां कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं स्टॉक में लगाएंगे, बॉन्ड में लगाएंगे, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर सिक्योरिटी। अब ये पैसा लगाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टर। सर हमको बताना, अगर मान लीजिए इन्वेस्टर्स ये कहते हैं, आप हैं एएमसी, ठीक है, इन्वेस्टर ने कहा कि भैया हमको लॉस नहीं चाहिए, हमको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, तो उन इन्वेस्टर्स का पैसा आप कहां लगाओगे, बताइए। इन्वेस्टर्स ने कहा हम आपको जो पैसा दे रहे हैं हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा सेफ रिटर्न रहे, फिक्स्ड रिटर्न हमको मिलता रहे, तो ऐसे इन्वेस्टर्स का पैसा हम कहां लगाएंगे, डेट में, डिबेंचर्स में, क्योंकि डिबेंचर में हमको फिक्स्ड इनकम मिलता रहेगा। एक सेकेंड सेट ऑफ इन्वेस्टर्स है, वो कह रहे हैं भैया हम हाई रिस्क लेने को तैयार हैं, जब तक सट्टेबाजी ना करो, जुआ ना खेलो, मजा कहाँ आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम हाई रिस्क लेने को तैयार है, तुम्हें जहां लगाना है लगाओ, रिस्क होगी हम तैयार है, लेकिन रिटर्न अच्छा होना चाहिए। ऐसे इन्वेस्टर का पैसा आप कहाँ लगाओगे, इक्विटी में, ठीक है, इक्विटी में लगा दिया उनका पैसा। अब तीसरी कैटेगरी आए, वो कह रहे हैं कि भैया कंपनी अपनी नहीं, हमको भरोसा किसी के ऊपर नहीं है, बिल्कुल सेफ जगह लगाना मेरा पैसा, किसी भी सिचुएशन में डूबना नहीं चाहिए। तो आप कहेंगे ठीक है, तुम्हारा पैसा हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा दे रहे, कभी नहीं डूबेगा, ठीक है। कुछ लोग आए, वो कह रहे हैं हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, हमको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो हम उनका पैसा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में लगा देंगे। दो तरीके की मार्केट होती है, वैसे तो फर्स्ट चैप्टर में कवर्ड है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मैच्योरिटी एक साल से कम की होती है वो होते हैं मनी मार्केट। मैच्योरिटी का मतलब समझ गए कि आज हमने पैसा लगाया वो एक महीने में मैच्योर हो जाएगा, वो कौन से होते हैं, मनी मार्केट। और वो इंस्ट्रूमेंट जिनकी मैच्योरिटी एक साल से ज्यादा होती है, जो लॉन्ग टर्म होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट। हमको इस हिसाब से बताओ, इक्विटी शेयर्स क्या हुए, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट, ठीक है। डिबेंचर्स भी रादर क्या हुए, कैपिटल मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं ये क्या होती हैं, मनी मार्केट। सरकार को कभी भी पैसा ना लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए, सरकार जो पैसा रिक्वायरमेंट करता है शॉर्ट टर्म के लिए, जनरली एक साल से कम के लिए। अगर कभी आपने नाम सुना हो तो ट्रेजरी बिल सुना है, टी बिल्स, बचपन में अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी हो कभी तो वहां ये एक शब्द आया होगा, टी बिल्स। ना कभी आपने सोचने की जरूरत समझी कि ये क्या होते हैं, है ना, ना आपने कहीं देखने की जरूरत समझी, आपने कम से क्या मतलब, जब आएगा आएगा, अब आ गया है ना। टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स सरकारी सिक्योरिटीज होती है, और सरकारी सिक्योरिटीज की मेच्योरिटी नॉर्मली एक साल से कम की होती है। तो अब मान लो इन्वेस्टर कह रहे हैं कि भैया हमको लिक्विड फंड चाहिए, लिक्विड फंड मतलब हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना है, सेफ जगह लगाना है। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म लगाना है, सेफ जगह लगाना है, तो हम तुम्हारा पैसा कहाँ लगा देंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। लेकिन ये याद रखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। रिस्क एंड रिटर्न, ये आपको समझ में आता है,
अगर रिस्क कम है तो रिटर्न कम होगा, और अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होगा। अब ये जो डिसीजन मेकिंग हो रही है कहाँ लगाना है, कौन सी स्कीम में लगाना है, बताओ इस पूरे पूरी पिक्चर में ये रोल कौन निभा रहा था? एएमसी। ये सारा काम कौन कर रहा है? एएमसी। ठीक है, सबका रोल समझ में आ गया, अपना रोल समझ आ गया। आप लोग का क्या रोल है? चैप्टर पढ़ना, टेस्ट देना, रिवाइज करना, एग्जाम में सही से करके आना। आप कह रहे हमारा क्या रोल है? हमारा कोई रोल नहीं है, हमें म्यूचुअल फंड से क्या मतलब है ना, हमारा कोई रोल नहीं है। अरे सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, चलो अभी फिलहाल ये रोल है, अभी ये भी बताएंगे सीएस का क्या रोल है। चलो ओके, तो ये कहाँ लगाते हैं? स्टॉक में, बॉन्ड में, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं। द मेजर रीजन इन्वेस्टर चूजेस म्यूचुअल फंड आर प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहले कह रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक कंपनी में पैसा नहीं लगाया जा रहा है, हमारा पैसा कई जगह लगाया जा रहा है। अब ये एएमसी क्या करती है आपको पता है? ऐसा भी नहीं है कि एक जगह लगा दिया तो लगा के भूल गए, ये चेंज करते रहते हैं। जैसे आज ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो आपका पैसा वहां से निकाल के वहां, आपने जैसे कहा मैं इक्विटी में लगाना है कंपनीज के, अब कंपनी के इक्विटी में एएमसी ये डिसाइड करती है इस टाइम कौन सी कंपनी अच्छी जा रही है उसमें लगा दिया, अगर वो डाउन जाने लगेगी तो उससे निकाल के दूसरी कंपनी में लगा दिया, ये चेंज करते रहते हैं। क्या आप एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर इतनी जल्दी जल्दी ये चेंज कर पाते हैं? नो। ठीक है, सिर्फ वो लोग जो शेयर मार्केट में एक्टिवली काम करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में बैठे ही रहते हैं, टीवी देखते ही रहते हैं, है ना, उसके हिसाब से जिनका काम ही है स्टॉक मार्केट का, वो कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल लोग जो कुछ और काम करते हैं और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए म्यूचुअल फंड वगैरह में पैसा लगाया है, ठीक है, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अब आप सीएस बन गए, ठीक है, दो चीजें, या तो आप स्टॉक मार्केट में ही काम करने लग जाओगे कि नहीं भैया हम तो शेयर में ट्रेडिंग करके सीएस का हमको कुछ समझ में आया नहीं, डिग्री तो मिल गई लेकिन याद कुछ है नहीं, क्लाइंट डीलिंग कर नहीं पाएंगे, अब शेयर मार्केट से ही हम पैसा कमाएंगे, तो बात अलग है। अदरवाइज आप अपनी जॉब कर रहे हैं उसके साथ आप कह रहे हैं कि भैया हमने इतना पैसा लगा दिया, आप मेरे बिहाफ पे कोई लगाता रहे स्टॉक मार्केट में, जब जो अच्छा जाए वहां इन्वेस्ट कर दे, जो खराब जाए वहां से विड्रॉ कर ले, तो इसमें सबसे सुकून का ऑप्शन ये है कि आप अपना पैसा कहां लगा दें? म्यूचुअल फंड में। ओके, द इन्वेस्टर शुड कंपेयर द रिस्क एंड एक्सपेक्टेड यील्ड्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स ऑन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स व्हाइल टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस डिफाइन म्यूचुअल फंड एज, अब ये डेफिनेशन म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस ने दी है, एज अ फंड एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। ये पूरा का पूरा किस फॉर्म में बना है? ट्रस्ट के फॉर्म में, टू रेज मनी थ्रू सेल ऑफ यूनिट्स। बताओ ये बात समझ में आई? रेज मनी थ्रू सेल ऑफ यूनिट्स, म्यूचुअल फंड कंपनी पैसा रेज कर रही है और पैसा रेज करके क्या इशू कर रही है? यूनिट्स टू द पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ द पब्लिक अंडर वन और मोर स्कीम्स। ये स्कीम्स क्या हुई, कहां कहां पैसा लगाया जा रहा है? एब्सोल्युटली एएमसी जो बनाता है, एएमसी जो बना रहा है वो क्या है? स्कीम्स फॉर इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, रियल एस्टेट एंड सच अदर एसेट्स एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो ये ट्रस्ट के फॉर्म में बना है, ये पैसा रेज करके लोगों को यूनिट्स देता है और उन यूनिट्स के हिसाब से उस पैसे को वो अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है। ओके, म्यूचुअल फंड्स आर व्हीकल दैट कलेक्ट मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू बाय सिक्योरिटीज। दीज इन्वेस्टर्स हैव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब एक जैसे इन्वेस्टर्स एक साथ क्लब हो गए ना, जितने इन्वेस्टर्स ने कहा हम सब इक्विटी में लगाना चाहते हैं उनका पैसा एक जगह लग गया, जितने लोगों ने कहा हम डेट में लगाना चाहते हैं उनका पैसा डेट में लगा दिया। ओके, एंड दिस पूल ऑफ मनी इज एडवाइज्ड बाय द, देखो कौन एडवाइज करता है? फंड मैनेजर। कौन होता है फंड मैनेजर? एएमसी, हु डिसाइड्स हाउ टू इन्वेस्ट द मनी। विद गुड फंड मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड मैनेजर जेनरेट रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने जाएंगे तो आप बताओ क्या देखोगे कि कौन अच्छा होना चाहिए? कस्टोडियन अच्छा होना चाहिए, आरटी अच्छा होना चाहिए कि एएमसी अच्छा होना चाहिए? ओके, मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहा और आपने देखा कि उसका जो एएमसी है उसकी परफॉर्मेंस बड़ी बेकार है, उसने आज तक 10 साल में जहां जहां पैसा लगाया लॉस ही हुआ है, इसका मतलब उस एएमसी के अंदर जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनकी थिंकिंग पावर, उनकी एक्सपर्टाइज सही नहीं जा रही है। तो जब भी आप डिसाइड करें ना कि हमें किस म्यूचुअल फंड कंपनी में जाना है तो एएमसी की परफॉर्मेंस जरूर देखना कि पिछले 10 साल में इस एएमसी ने कितने कितने रिटर्न्स दिए। ओके, इससे पता चलता है एक्सपर्टाइज ऑफ द मैनेजर्स।
डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क, क्योंकि हम इतनी जगह पैसा लगा रहे हैं तो रिस्क कम हो जाएगी, बिकॉज ऑल द स्टॉक मे नॉट मूव इन द सेम डायरेक्शन. कभी भी क्या ऐसा हो सकता है कि सारी कंपनी के शेयर डाउन चले जाएं? बताओ, सब डाउन चले जाए. हाँ, अच्छा छोड़ो, ये छोड़ो, ये बताओ कभी ऐसा हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में सबको लॉस हो गया? अब ठीक है क्वेश्चन. हाँ बताओ, ऐसा हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में सबको लॉस हो गया, कोई एक इंसान नहीं है जिसको प्रॉफिट हुआ? ऐसा हो ही नहीं सकता. क्यों? किसी एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट है. स्टॉक मार्केट दो लोगों का ट्रांजैक्शन है. अगर एक 50 रुपए कमा रहा है तो किसी और का कमा रहा है वो. किसी और का कमा रहे, समझ गए? किसी का नुकसान करके वो कमा रहा है. भाई हमको लग रहा था शेयर बढ़ेगा, तुमको लग रहा था गिरेगा, तभी हमारे बीच में ट्रांजैक्शन हुआ. जिन लोगों को लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है उनको हम लोग बुल कहते हैं. बुल समझते हो? बुल कहते नहीं, बुलिश अप्रोच होती है, ठीक है? और जिनको लगता है कि प्राइस गिरने वाला है, बेयरिश अप्रोच. बेयर जो होता है ना, भालू नीचे देखता है, ठीक है, और बुल ये मान के चलते हैं कि ऊपर देखता है. तो जिनको लगता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे वो बुल होते हैं, अप्रोच बुलिश होती है. और जिनको लगता है प्राइसेस कम होंगे उनकी अप्रोच बेयरिश होती है. एक बुल और एक बेयर मिलके ही ट्रांजैक्शन हो सकता है. एक बात बताओ, हमको भी लग रहा है प्राइस बढ़ेगा, तुमको भी लग रहा है बढ़ेगा, तो हम क्यों बेचेंगे? तुम खरीदना तो चाहोगे लेकिन हम बेचेंगे क्यों? तो ट्रांजैक्शन तभी होगा जब एक पर्सन बुलिश हो और एक पर्सन बेयरिश हो. इस हिसाब से हमेशा एक का प्रॉफिट होगा और दूसरे का लॉस. जितने का प्रॉफिट बुक हुआ है उतने का किसी ना किसी ने लॉस भी बुक किया होगा, ठीक है? तभी ये कह रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन हो गया. और ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करें. अ म्यूचुअल फंड नॉर्मली कम आउट विद अ नंबर ऑफ स्कीम्स विद डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स विच आर लॉन्च फ्रॉम टाइम टू टाइम. अ म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली, अब क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड है, सेबी एनरोल कर रहा है, तो ये कह रहे हैं हर म्यूचुअल फंड को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. किससे? सेबी से, बिफोर कलेक्टिंग द फंड्स. तो ये चार्ट देख सकते हैं. इन्वेस्टर्स ने अपना मनी पूल किया, पूल करके फंड मैनेजर को दिया, फंड मैनेजर से उसने सिक्योरिटीज ली, सिक्योरिटी से रिटर्न जनरेट हुआ, और वो रिटर्न उसने रिटर्न बैक कर दिया किसको? इन्वेस्टर्स को. क्लियर? एनी कंफ्यूजन? समझ आ गया? ओके, व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड? फिर से वही चीज बार बार बता रहे हैं. एज द टू वर्ड्स म्यूचुअल कनोट्स गेटिंग टूगेदर एंड फंड कनोट्स मनी, तो पैसे को इकट्ठा करना इज बेसिकली व्हाट इज नोन एज म्यूचुअल फंड. ओके, हेंस बाय डेफिनेशन म्यूचुअल फंड इज अ व्हीकल फॉर इन्वेस्टिंग मनी फॉर इन्वेस्टर्स विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. ये लाइन भी हम लोगों ने देखी थी. म्यूचुअल फंड बेसिकली किस फॉर्म में होता है? ट्रस्ट के फॉर्म में, दैट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स हु शेयर अ कॉमन फाइनेंशियल गोल and invest the proceeds in different asset classes. अलग अलग जगह पैसा लगा दिया. Simply put, mutual fund is a financial intermediary. क्या mutual fund को intermediary कह सकते हैं? Yes, लोगों से पैसा लिया, market में invest किया, तो intermediary कौन हुआ? Mutual fund. Okay, अब देखो नीचे इन्होंने वही दिया है, कहाँ कहाँ पैसा लगा सकता है. इक्विटी में लगा सकते हैं, डेट में लगा सकते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकते हैं. और ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बिलोंग करेंगे. अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम लोग इनके बारे में. आरबीआई है, सेबी है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, एम्फी कहते हैं. जितनी भी ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती है ना, अलग अलग, जैसे एक हमने आपको बताया रिलायंस म्यूचुअल फंड है, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड है, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड हैं इन सबकी एएमसी है. उन सारी एएमसीज ने मिलकर अपनी एक एसोसिएशन बनाई है, और उस एसोसिएशन को क्या कहा गया है? एम्फी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया. अब एएमसी क्या काम करेंगी, क्या नहीं करेंगी, कैसे वर्क करेंगी, उसके ऊपर कौन रूल्स रेगुलेशंस बनाता है? एम्फी. मतलब ऐसे समझो तो पूरे म्यूचुअल फंड के ऊपर सेबी तो है ही, उसके अलावा सारी एएमसीज के ऊपर भी कौन है? एम्फी. तो इनको हम लोग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं. सेल्फ रेगुलेटरी मतलब इन्होंने खुद के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो तो ऊपर है ही ऑब्वियसली. सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इनकम टैक्स रेगुलेशन एंड इन्वेस्टर एसोसिएशन, ये सब लोग स्टेक होल्डर है. स्टेक होल्डर का मतलब एनी हाउ कहीं ना कहीं इनका लिंक होगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से. अब देखिए इन्होंने बताया है ओवरव्यू ऑफ म्यूचुअल फंड.
ये बता रही है कब ओरिजिन हुआ, ठीक है। सबसे पहले देखो 1963 में शुरू हुआ, फिर 1987 में सेबी ने अपना पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, एसबीआई सॉरी म्यूचुअल फंड लॉन्च किया। ये इनका एक हिस्ट्री है, ये रीड कर लेंगे, ठीक है। लिख लो रीड, कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बस पढ़ लेना कब कब कैसे कैसे आया। और अब यहाँ पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ म्यूचुअल फंड। वैसे तो हम आपको समझा ही चुके हैं स्ट्रक्चर, बट देखें, अ म्यूचुअल फंड इज सेटअप इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट विच हैज, कौन कौन होगा इसमें स्पॉन्सर, बताओ स्पॉन्सर कौन था जिसने वो म्यूचुअल फंड बनाया है, जो ओनर है पूरे का वो कौन होगा स्पॉन्सर। ट्रस्टी, ट्रस्टी कौन था, क्या करने के लिए बैठा था, ये देखने के लिए कि एएमसी या कस्टोडियन सब लोग अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, इन्वेस्टर्स के साथ कुछ गलत ना हो। नेक्स्ट कौन है, एएमसी जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहा था, और कौन होगा कस्टोडियन। सेबी प्रिस्क्राइब्स कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ गाइडलाइंस इन द फंक्शनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड थ्रू सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996। जरा देखते हैं कौन कौन एलिमेंट है। सबसे पहले कौन होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर इज द प्रिंसिपल बॉडी हु ब्रिंग्स द कैपिटल एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाई सेबी टू स्टार्ट अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को शुरू करने के लिए भाई एएमसी को बनाना पड़ा, कस्टोडियन अपॉइंट करना पड़ा, इन सब चीजों के लिए फंड की, पैसे की जरूरत होगी ना। कोई पर्सन होगा जो इस आइडिया के साथ आया होगा कि चलो हम एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं। वो पर्सन जो इस आइडिया के साथ आया है, जिसने ये म्यूचुअल फंड बनाया है, उसको हम लोग क्या कहेंगे स्पॉन्सर। ट्रस्ट एंड ट्रस्टी, ट्रस्ट इज क्रिएटेड बाय स्पॉन्सर एंड ट्रस्टी आर अपॉइंटेड टू मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ अ ट्रस्ट। जरा देखो ट्रस्टी का काम क्या है। The trustee's job is to ensure that all the funds are managed as per defined objective. जिस ऑब्जेक्टिव से पैसा लगाया गया उसी ऑब्जेक्टिव से पैसा लग रहा है कि नहीं, यस और नो। जिन्होंने कहा हम इक्विटी में लगाना चाहते हैं उनका इक्विटी में लग रहा है कि नहीं, जिन्होंने कहा है कि हम डेट में लगाना चाह रहे हैं वो डेट में लग रहा है कि नहीं, कहीं एएमसी वो पैसा अपने हिसाब से तो नहीं इन्वेस्ट कर रही है, ये सब देखने के लिए कौन बैठा हुआ है ट्रस्टी। थर्ड देखो कौन है, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। द ट्रस्टी अपॉइंट्स एएमसी टू मैनेज द फंड्स ऑफ इन्वेस्टर एंड इन रिटर्न गेट द फी टू मैनेज द फंड। फंड मैनेजमेंट के लिए ऑब्वियसली उनको क्या मिलता है, फी। अब एक बात बताओ, म्यूचुअल फंड इतना काम कर रहा है, आपको क्या लग रहा है फ्री में कर रहा है। हमने आपसे पैसा लिया, हमने कहा आप अपना पैसा हमको दो, मार्केट में लगाएंगे, जो रिटर्न आएगा वो हम आपको देंगे, तो आपको क्या लगता है हम आपके लिए काम फ्री में करेंगे। फ्री में दुनिया में कुछ भी नहीं होता है ना। जैसे कुछ चीजों में लिखा होता है ना, अगर आप टूथपेस्ट खरीदने जाएं और उसके साथ लिखा होता है ना इसके अंदर ब्रश फ्री है, वो भी फ्री नहीं होता, सब कॉस्ट जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो नथिंग इज फ्री, ओके। तो बेसिकली ये कह रहे हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने इन कामों के लिए क्या चार्ज करेगी, फीस। कस्टोडियन क्या करता है, कस्टोडियन दो चीजें संभाल के रखेगा, एक तो इन्वेस्टर का पैसा और दूसरा सिक्योरिटीज, फंड्स को मैनेज करेगा और सिक्योरिटीज को। कस्टोडियंस जॉब इज द सेफ कीपिंग ऑफ इन्वेस्टर्स फंड एंड सिक्योरिटीज एंड टू इंश्योर दैट इट वुड बी यूज फॉर इंटेंडेड पर्पस। अब लोगों ने पैसा लगाया, ठीक है, हमने कहा लोगों ने पैसा दिया, किसको दिया। अब सोच के देखो, क्या एएमसी पैसा रखेगा कि आरटीए पैसा रखेगा कि स्पॉन्सर रखेगा, कौन रखेगा लोगों का पैसा, कस्टोडियन। कस्टोडियन सेफ कीपिंग रख रहा है पैसे की, उस पैसे से सिक्योरिटी परचेज होगी और सिक्योरिटी भी अपने पास रखेगा, ओके। एंड लास्टली इज रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। RTA's job is to manage the back-end operations like managing investors' transaction request and other related services. Back-end समझ गए? इसका ये काम नहीं है कहाँ पैसा लगाएं कहाँ ना लगाएं, नहीं, पेपर वर्क जितना भी है, ठीक है, ये सब मैनेज करने का काम किसका होगा, RTA का। तो अब लोगों को यूनिट्स खरीदनी है तो वो एप्लीकेशन भर के किसको देते होंगे, RTA को। RTI उनको यूनिट्स अलॉट करता है। ये रजिस्ट्रेशन वगैरह का जितना काम होता है ये सब कौन करेगा, RTA। तो देखो नीचे फिर वही उन्होंने चार्ट बना दिया है। ये देखिए जो एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, दिखा जैसे म्यूचुअल फंड ट्रस्ट, तो कह रहे अगर मान लो IDBI म्यूचुअल फंड है, तो सबसे पहले बताओ IDBI म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर कौन हुआ, IDBI बैंक, ठीक है। देखो स्पॉन्सर हुआ IDBI बैंक, ट्रस्टी हुआ IDBI म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, ट्रस्ट के लिए उन्होंने ट्रस्टी कंपनी बनाई। AMC हुई IDBI एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, रजिस्ट्रार KFIN टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और कस्टोडियन हुआ इनका SBI SG ग्लोबल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। इन सब ने मिला के क्या बना लिया, म्यूचुअल फंड, ठीक है। यानी म्यूचुअल फंड के अंदर इतने लोग इन्वॉल्व होते। एनी कंफ्यूजन टिल हियर?
हाँ बेटा, हाँ एक्चुअली अंडर नहीं आते। देखो जैसे मान लो आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ने आईडीबीआई ये बना दी ट्रस्टी कंपनी, जैसे ही इन्होंने नाम इन्होंने रखा, नाम इसलिए रखते हैं ना कि पहचान में आए कि हमारे म्यूचुअल फंड की ट्रस्टी है। ओके, अदरवाइज जैसे ही इन्होंने कंपनी बनाई, कंपनी मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, अब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेपरेट हो गए, ठीक है, उसके मेंबर्स सेपरेट हो गए, उसके डिसीजन मेकिंग सेपरेट हो गई, ठीक है, वो बात अलग है। ऐसा हो सकता है कि आईडीबीआई ने उसमें कुछ परसेंटेज शेयर्स ले रखे हो, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। नाम इसलिए देते हैं ताकि पता चल जाए कि ये ट्रस्टी कंपनी इस म्यूचुअल फंड की है, ओके, अदरवाइज उसका जो नेचर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। ओके, हाँ बेटा, ट्रस्टी एमसी अपॉइंट करेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगेन जिसको अपॉइंट किया उसका नाम आईडीसी, एएमसी क्या है, एएमसी कंपनी, अगेन इट इज अगेन अ कंपनी, ठीक है। अब वो आईडीबीआई की कंपनी है, ओके, तो किसी जिसको भी वो अपॉइंट कर रहा है कि आईडीबीआई म्यूचुअल फंड के लिए हमने ए लिमिटेड को अपॉइंट किया है, अब ये ए लिमिटेड आईडीबीआई एएमसी कहलाई जाएगी, मतलब समझे, उसका नाम उसे रख दिया ताकि पहचान में आए कि ये एएमसी आईडीबीआई की है। ओके, तो उन्होंने अपॉइंट एक कंपनी को ही किया, बट उस कंपनी को नाम दे दिया आईडीबीआई एएमसी। ओके, और ये जैसे उन्होंने बताया ना, ये आईडीबीआई एएमसी है, ऐसी ही जितने म्यूचुअल फंड की एएमसीज होंगी उन सब की एसोसिएशन बनाई गई, और उन सब के ऊपर कौन बैठ गया, एमसी। ओके फाइन, तो होते सब कंपनी है, एक कंपनी अपॉइंट किया जिसको ट्रस्टी बना दिया, एक कंपनी अपॉइंट किया जिसको एमसी बना दिया, बस ये जो होते हैं रजिस्ट्रार और कस्टोडियन ये नॉर्मल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो वही होते हैं जो डिपॉजिटरी वगैरह होते हैं, फंड्स इकट्ठा करते हैं और शेयर्स होल्ड करते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ अ म्यूचुअल फंड इज मेड। अब देखो रेगुलेटर एंड इंडस्ट्री बॉडी, ऑब्वियसली रेगुलेटर कौन है इनके ऊपर, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इट रेगुलेट्स द म्यूचुअल फंड, कस्टोडियन, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। द एप्लीकेबल गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअल फंड आर सेट आउट इन सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन। और इंडस्ट्री बॉडी इनकी कौन है, एमसी। एज ऑफ नाउ देखो 43 एएमसीज हैं जो एमसी के मेंबर हैं, कुल मिला के जितनी भी एएमसीज होंगी उनको एमसी का मेंबर बनना पड़ेगा। तो 43 म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं एज ऑन डेट। रिकमेंड्स एंड प्रमोट्स बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। एएमसी कुछ गलत काम ना करे, एएमसी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम कौन करता है, एमसी। डिसेमिनेट्स इंफॉर्मेशन एंड कैरीज आउट स्टडीज रिसर्च ऑन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो दो लोग इनको रेगुलेट करते हैं, एक इनको रेगुलेट कर रहा है सेबी जो सबसे ऊपर बैठा है ऑब्वियसली, और एक इनकी एएमसीज को जो रेगुलेट कर रहा है वो होता है एमसी। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड में आते हैं। अब देखो कितने कैटेगरीज के हैं, इसको हम लोग ये सब डिटेल में है आगे, ठीक है। सबसे पहले देखो ये है ना ओपन एंडेड क्लोज एंडेड, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड की स्कीम्स जो हैं वो दो तरीके की होती हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। अब जरा डिस्कस करते हैं ओपन एंडेड क्या है और क्लोज एंडेड क्या है। ओके चलिए, हमने आपको बताया था ओपन एंडेड क्लोज एंडेड। देखिए कई बार ऐसा होता है जैसे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स की एक फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है, यानी कि आज अगर आपने हमसे म्यूचुअल फंड यूनिट्स ली हैं तो वो अपनी मैच्योरिटी के बाद ही रिडीम हो सकती हैं, मैच्योरिटी के पहले हम उन यूनिट्स को रिडीम नहीं कर सकते। वो यूनिट्स जिनकी फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड। और वो यूनिट्स जिनको कभी भी खरीदा बेचा जा सकता है वो कौन सी होंगी, ओपन एंडेड। हमको बताओ ज्यादा लिक्विड कौन से हुए, ओपन एंडेड। हम आज म्यूचुअल फंड, हमने आज जो हम खरीदना चाह रहे हमने खरीद लिया, ठीक है, आज हम सेटिस्फाइड नहीं हम बेचना चाहते हमने बेच दिया। ओपन एंडेड वाली को हम कभी भी खरीद सकते हैं कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन क्लोज एंडेड वाली को हम सिर्फ तभी रिडीम करेंगे जब उनका मैच्योरिटी हो जाएगा। जो क्लोज एंडेड वाली होती है ना उनको हम लोग जैसे आईपीओ निकलता है वैसे ही इनका एनएफओ निकलता है, न्यू फंड ऑफर। ओके, क्लोज एंडेड वाली को हम हमेशा कब खरीद सकते हैं, जब एनएफओ निकलेगा तभी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको एक बात बताओ, एक कंपनी का नया शेयर आप कब खरीद सकते हो। अगर आप ये कहें कि हम कंपनी का नया शेयर स्टॉक मार्केट से खरीदना चाह रहे हैं तो स्टॉक मार्केट इज अ सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक मार्केट से अगर तुम शेयर खरीद रहे हो तो वो नया शेयर नहीं है, वो शेयर किसी और ने ले रखा है। अगर हम इसको दूसरी भाषा में बोले
कंपनी के पास पैसा बताओ कब पहुंचता होगा, आईपीओ के थ्रू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर तुमने स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदा, मतलब तुमने मिस्टर ए से खरीदा, तो जो तुमने पैसा दिया वो मिस्टर ए को गया, कंपनी को थोड़ी गया। कंपनी के पास पैसा तब पहुंचेगा जब कंपनी नया शेयर अलॉट करेगी। ओके, नया शेयर अलॉट करने का मतलब किसके थ्रू? आईपीओ, एफपीओ के थ्रू। बिल्कुल वैसे ही जब कोई म्यूचुअल फंड कंपनी यूनिट्स अलॉट करती है तो फिक्स्ड मैच्योरिटी वाले, तो वो क्या होते हैं? एनएफओ के थ्रू। उनको हम सिर्फ तब खरीद सकते हैं जब एनएफओ हो, और वो रिडीम कब होंगे? जब उनका मैच्योरिटी पीरियड आ जाए। इसलिए इनकी लिक्विडिटी कम होती है और ओपन एंडेड वालों की लिक्विडिटी ज्यादा होती है। देखो, ओपन एंडेड कैन बी परचेज्ड ऑन एनी ट्रांजैक्शन डे, कभी भी खरीद सकते हैं। क्लोज एंडेड वाले कैन बी परचेज ओनली ड्यूरिंग एनएफओ। ओपन एंडेड में लिखा है कैन बी रिडीम्ड ऑन एनी ट्रांजैक्शन डे, कभी भी रिडीम कर सकते हैं। अब ब्रैकेट में लिखा है इक्विटी लिंक्ड सेविंग, सेविंग स्कीम होते हैं जिनमें लॉक इन पीरियड होता है। वैसे ये आगे समझाएंगे, लेकिन नॉर्मल समझ लो। अगर हम आपसे ये कह रहे हैं, अब ईएलएसएस क्या होता है ये हम आपको बाद में बताएंगे। ये कह रहे हैं ईएलएसएस में लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या हो गया? कि उतने समय तक नहीं बेच सकते। तो ये कह रहे, वैसे तो ओपन एंडेड वाले कभी भी बेचे जा सकते हैं, लेकिन अगर मान लो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, ईएलएसएस है, और उसमें कोई लॉक इन पीरियड है, तो फिर वो हम कभी भी नहीं बेच सकते। वो लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद ही बेचा जाएगा। ईएलएसएस वगैरह क्या है ये अभी पढ़ेंगे आगे। और यहाँ लिखा है कैन बी रिडीम्ड ऑन ओनली एट मेच्योरिटी। ओपन एंडेड वालों की लिक्विडिटी हाई होगी और क्लोज एंडेड वालों की लिक्विडिटी कम होगी। एनी डाउट? चलें, समझ आ रहा है सबको? ओके, नाउ आप कह रहे हैं देर आर अदर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट नीड्स। अब हम लोग देखेंगे कितने तरीके की स्कीम्स हो सकती हैं। अभी हमने आपको बताया, कुछ हम लोगों ने डिस्कस करी कि इन्वेस्टर कह रहे हैं कि भैया हमें फिक्स्ड इनकम चाहिए, हम जो भी पैसा लगाएंगे हमें उसका फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, कोई रिस्क नहीं चाहिए। तो एएमसी उसका पैसा कहाँ लगाएगी? डेट्स में, डिबेंचर में। और एक कैटेगरी है जो ये कह रही भैया हम हाई रिस्क लेने को तैयार है, हमें हाई रिटर्न चाहिए, उनका पैसा कहाँ लगाएंगे? इक्विटी में। अच्छा, कुछ इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ा बीच बीच में रखो ना, हम फिक्स्ड रिटर्न चाह रहे हैं ना हम हाई रिस्क चाह रहे हैं, उनका पैसा कहाँ लगाए? दोनों में, थोड़ा पैसा डेट में लगा दे, थोड़ा पैसा इक्विटी में लगा दे। ऐसी सिक्योरिटीज को या ऐसी स्कीम्स हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट नीड्स के हिसाब से जरा देखते हैं कौन कौन सी स्कीम्स हैं। सबसे पहले देखो कौन सी है, इनकम ओरिएंटेड। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है फिक्स्ड इनकम दिलाना। द फंड प्राइमरीली ऑफर फिक्स्ड इनकम टू द इन्वेस्टर्स। नेचुरली इनफ द मेन सिक्योरिटीज इन विच इन्वेस्टमेंट्स आर मेड बाय सच फंड्स आर। देखो मेनली ये कहाँ पैसा लगाते हैं? फिक्स्ड इनकम यील्डिंग वंस में, लाइक बॉन्ड्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा। इनको पता है यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होगा, फिक्स्ड इनकम आएगी, तो उनका पैसा कहाँ लगाया जाएगा? डिबेंचर में, सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट ओन्ड में। एनी डाउट? ग्रोथ ओरिएंटेड पढ़ के देखो कहाँ लगा रहे हैं। ग्रोथ का मतलब हमें क्या चाहिए? कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब समझते हो? हमने 10 रुपए का शेयर लिया था, आज 20 रुपए का हो गया, ये होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। ये तब हो सकता है जब आपका पैसा कहाँ लगाया जाए? इक्विटी में। दीज फंड्स ऑफर ग्रोथ पोटेंशियलिटीज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट्स इन कैपिटल मार्केट, नेमली हाई सोर्स ऑफ इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड। एक तो डिविडेंड मिलेगी और दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो आपको दो चीजें मिलती हैं, क्या क्या? एक तो डिविडेंड मिलेगा और एक कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब जब हमने लिया था तो शेयर 10 रुपए का था, आज वो शेयर 20 रुपए का हो गया। हमको बताओ अगर आप डिबेंचर में लगाते हो तो आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। क्या कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा? क्या ऐसा होगा कि जब हमने लगाया था तो डिबेंचर 10 रुपए का था, आज डिबेंचर 20 रुपए का हो गया? आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये कह रहे हैं अगर हम कह रहे हैं हमें हाई ग्रोथ चाहिए, हमें डिविडेंड भी चाहिए और हमको कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहिए, तो उनका पैसा लगाया जाएगा कहाँ? इक्विटी में। देखो लास्ट लाइन में लिखा है दीज फंड्स विद अ व्यू टू सैटिस्फाई ग्रोथ नीड्स ऑफ इन्वेस्टर प्राइमरीली कॉन्सेंट्रेट ऑन लो रिस्क एंड हाई यील्डिंग स्पेक्ट्रम ऑफ इक्विटी स्क्रिप्ट्स ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। और हाइब्रिड वाले कहाँ लगाएंगे? दे कैटर टू बोथ इन्वेस्टमेंट नीड्स ऑफ द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, नेमली फिक्स्ड इनकम एज वेल एज ग्रोथ।
Therefore, investment targets of these mutual funds are judicious mix of both. Judicious mix मतलब ये अपने हिसाब से calculate करते हैं कि भाई 50% इसमें लगा दो, 50% इसमें लगा दो, या 60% debt में लगा दो, 40% equity में लगा दो. तो ये अपने हिसाब से ऐसे mixtures create करते हैं. और इसीलिए देखो इनका एक और नाम होता है balanced fund. बताओ balanced क्यों कहते हैं इनको? Balance क्यों कह रहे हैं? क्योंकि balance है. क्या है? हमें ग्रोथ भी मिल रही है और हमें फिक्स्ड इनकम भी मिल रही है. तीन तरीके के हो गए, ठीक है. अब कुछ लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम हाई ग्रोथ में लगाना चाहते हैं. देखो एक बात समझिए, एक है रिलायंस कंपनी, ठीक है, और एक है लेट से एक नई कंपनी अभी अभी आई है, लेट से कोई स्टार्टअप है, ठीक है. रिलायंस कंपनी में जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनका ग्रोथ तो होगा, डूबेगा तो नहीं. रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी डूबेंगी तो नहीं, लेकिन उनकी ग्रोथ का एक सर्टन पैरामीटर होगा, मतलब एक सर्टन लिमिट होगी. जैसे 200 का शेयर 250 हो गया, 250 मतलब 251 हो गया, कुछ रेंज तक बढ़ेगा. लेकिन ये जो कंपनीज होती है ना, नई कंपनी आई है, स्टार्टअप कंपनी आई है, इनमें बहुत हाई ग्रोथ के चांसेस होते हैं. या तो ये बहुत हाई ग्रोथ कर जाती है या तो ये बिल्कुल डूब जाती है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दोनों इक्विटी है. एक है सेटल्ड कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, जिसको पैसा लगाना है वो ये कह रहे हैं कि हम इक्विटी में भी लगाना चाहते हैं और हम डूबना भी नहीं चाहते, तो तुम ये बड़ी कंपनीज में लगा दो, तुम रिलायंस में लगा दो, टाटा में लगा दो, डूबेगा नहीं तुम्हारा पैसा, ये निश्चित है. ये डूबेंगे तो हमारा देश डूब जाएगा फिर. ओके, तो ये डूबेंगे नहीं. और अगर ये डूबेंगे नहीं तो सोचो इसमें ज्यादा लोगों ने पैसा लगाया होगा. ज्यादा लोगों ने पैसा लगाया होगा तो ऑब्वियसली डिविडेंड भी कम मिलेगा, ठीक है, और ग्रोथ भी कम होगी. क्योंकि ऐसा नहीं है कि 200 का शेयर जाने से 1000 पहुंच जाए, क्योंकि ये नॉर्मल इनका ग्रोथ पैरामीटर ऐसा रहता है, ठीक है. लेकिन एक नई कंपनी अभी अभी आई जिस पैसे में कहते हैं सट्टाबाजी खेल दी, हमने उसमें पैसा लगा दिया, आज उसका शेयर 10 रुपए का था, नई नई कंपनी आई थी, ज्यादा फेमस नहीं थी, 10 रुपए का शेयर था, हमने कहा हमें ऐसा लग रहा है ये कंपनी आगे जाके बहुत ग्रो करेगी, तो जब उसका शेयर 10 रुपए का था हमने खरीद लिया, आज उसका शेयर कंपनी में मार्केट में 500 रुपए हो गया, मतलब समझे हमारा 490 रुपए का प्रॉफिट. जो लोग, आपको पता है शेयर मार्केट में बहुत बड़े बड़े लोग बने हैं वो ऐसी कंपनी में लगा के बनते हैं. आप खुद सोच के देखो ना, रिलायंस कंपनी में लगा के ऐसा नहीं हो सकता. हाँ, या तो जिसने रिलायंस पे तब लगाया हो जब रिलायंस 10 रुपए की हो. ओके, क्योंकि बढ़ने का एक पैरामीटर होता है, ठीक है, जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो और कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है. लेकिन जो बिल्कुल डाउन था उसके परफॉर्म अच्छा होने के चांसेस ज्यादा है. तो कुछ लोग होते हैं जो इन्हीं कंपनी की फिराक में होते हैं कि हमें ऐसी कंपनी में पैसा लगाना बहुत हाई रिस्क टेकिंग है, हम ऐसी कंपनी में लगाएंगे जो आज एकदम गूढ़ा कंपनी है लेकिन हमको लग रहा है उसके अंदर पोटेंशियल बहुत है. हमने उसका शेयर जब एकदम सस्ता था खरीद लिया, 10 रुपए का लेके डाल लिया, अब अगले 2-4 साल में वो चमक गई तो चमक गई कंपनी, अचानक से उसका शेयर 1000 रुपए पहुंच गया, हम रातों रात करोड़पति बन गए, ठीक है. सो ये लोग जो होते हैं, लेकिन इसी में रिवर्स भी है, अब वो डूब गई तो डूब गई, ठीक है. ऐसे लोग जो होते हैं वो हाई रिस्क लेना चाहते हैं और उनका पैसा लगाया जाता है हाई ग्रोथ स्कीम में. ओके, एज द नॉमेनक्लेचर डिपिक्ट्स, दीज फंड प्राइमरीली इन्वेस्ट इन हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न वोलेटाइल सिक्योरिटीज इन द मार्केट एंड इंड्यूस द इन्वेस्टर्स विद अ हाई डिग्री ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन. तो तुम्हें इक्विटी में लगाना है, इक्विटी में भी तुम्हें कैसी इक्विटी में लगाना है? अगर तुम्हें सेफ इक्विटी में लगाना है, ठीक है, तो तुम सेफ जगह लगाओ. जैसे आप मैगडी में खाने जाएं, आप एक नए रेस्टोरेंट में खाने जाएं, मैगडी में आपको पता है वही टेस्ट होगा, ठीक है, और उसी प्राइस पे होगा. आपने कहा कि ये गली में एक नया ठेला लगा है, लाओ ट्राई करके देखिए, सस्ता है उसका बर्गर, मैगडी से सस्ता है. अब अगर उसका टेस्ट अच्छा निकल गया तो आपको मजा आ गई कि हमको 10 रुपए में मिल गया और टेस्ट इतना बढ़िया था. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक और खाने के बाद आप दोबारा ना खाएं, ठीक है. तो है दोनों वही चीज, बस लगाने का तरीका अलग है. तो नॉर्मल वाले जो होते हैं ये ग्रोथ ओरिएंटेड, और ये जो रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं ये कौन से होते हैं? हाई ग्रोथ स्कीम. हाँ बेटा, नहीं, अब देखो, ओके, एक क्वेश्चन आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, सेइंग जिसको हाई ग्रोथ में लगाना होगा वो म्यूचुअल फंड के थ्रू क्यों लगाएगा? वो लगाएगा डायरेक्टली? नाउ, जिसके पास डायरेक्टली लगाने का ऑप्शन है वो डायरेक्टली ही लगाएगा, वो क्यों म्यूचुअल फंड को पैसा देगा? लेकिन मान लो हम इन्वेस्टर छोटे हैं लेकिन ख्वाब बड़े हैं हमारे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेरे पास पैसा कम है, ठीक है, लेकिन हमारे ख्वाब, रिस्क टेकिंग बहुत एबिलिटी है. रिस्क लेना और पैसा होना दो अलग अलग बात है. हम रिस्क बहुत ले सकते हैं, पैसा ही नहीं है हमारे पास,
ठीक है, हम रिस्क बहुत ले सकते हैं, मेरे पास पैसा बहुत है, हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे। वैसे भी जो जिसके अंदर एक्सपर्टाइज है, अगर आपको मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है, आपके पास अच्छे फंड्स हैं, तो कभी म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं जाना चाहिए। हम क्यों फीस दें उनको, जब हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। तो म्यूचुअल फंड को देने का मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस ही लेगा और थोड़ी ना है फीस चार्ज करेगा, डायरेक्टली इन्वेस्ट करिए आप। लेकिन अगर आपके पास फंड्स कम है, ठीक है, और आपके अंदर मार्केट एक्सपर्टाइज नहीं है, या जितनी कीनली जितनी केयरफुली स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में जाओ। अब आप कह रहे हो हम जा तो म्यूचुअल फंड के थ्रू रास्ते रहे, लेकिन हमारी रिस्क फैट टेकिंग बहुत है, तो आप इसमें चले जाओ हाई ग्रोथ में, और पैसा बहुत है तो म्यूचुअल फंड में ना जाओ, ठीक है, डायरेक्टली लगा लो। ओके, इसके बाद आता है कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम। अब समझिए, कुछ इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने कहा देखो भाई हमारा जो पैसा है वो तुम लगाओ, लेकिन जितना हमने लगाया है उतना हमको वापस मिले, ठीक है, मेरा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। जैसे मान लो अगर हमने 100 रुपए दिए म्यूचुअल फंड कंपनी को और हमने कहा कि तुम इक्विटी में लगाओ, तो क्या ये जरूरी है कि 100 वापस ही मिलेगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है, 100 का कम हो गया। लेकिन हमने म्यूचुअल फंड कंपनी से कहा कि सुनो मेरा पैसा तुम्हें जहां लगाना है लगाओ, मेरा 100 तो हमको वापस मिलना ही मिलना है, ठीक है, उसके अलावा जो एडिशनल तुम देना चाहो वो दे देना। तो म्यूचुअल फंड कंपनी ने कहा ठीक है हम एक काम करते हैं, तुम्हारा पैसा जो कैपिटल है वो हम लगाते हैं डेट पे, ठीक है, तो जो तुम्हारा 100 है वो 100 का 100 वापस मिलेगा, और उसका जो ब्याज आएगा इंटरेस्ट वो हम लगा देंगे इक्विटी में। अब समझो क्या हुआ, इससे क्या होगा, मैक्सिमम अगर डूबेगा तो इंटरेस्ट डूब जाएगा, जो तुमने लगाया था वो प्रोटेक्टेड रहेगा, वो हम तुम्हें वापस दे देंगे क्योंकि वो हमने लगाया था डिबेंचर में। ओके, यानी हमने रिस्क जो लिया वो लिया इंटरेस्ट वाले पोर्शन से, और हमने सेफ जो खेला वो डेट पे खेला। ऐसे स्कीम्स को कहा जाता है कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम, यानी हमारा कैपिटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा कुछ भी हो जाए। इट इज अ स्कीम व्हिच एंडेवर्स टू प्रोटेक्ट द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड थ्रू सूटेबल ओरिएंटेशन ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर। सूटेबल ओरिएंटेशन मतलब यही, डेट और कैपिटल का मिक्स करते हैं, डेट और इक्विटी का मिक्स करते हैं, और इस तरह से मिक्स करेंगे कि कैपिटल पोर्शन आपका डेट में लगा देंगे और इंटरेस्ट जो इनकम जनरेट होगी वो इक्विटी में लगा दिया। एनी डाउट? ओके, अगली वाली नाम से समझ में आ रही है? अच्छा, यहां तक पहले रिवाइज कर लो एक बार। सबसे पहले कौन सी थी? इनकम ओरिएंटेड। इनकम ओरिएंटेड कहाँ लगा रहे थे? फिक्स डेट में, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में। सेकेंड कौन से थे? ग्रोथ। ग्रोथ कहाँ लगा रहे थे? इक्विटी में, ठीक है। हाइब्रिड कहाँ लगा रहे थे? दोनों जगह। हाई ग्रोथ कहाँ लगा रहे थे? हाई रिस्क टेकिंग कंपनीज में। और कैपिटल प्रोटेक्टेड कहाँ लगा रहे थे? कैपिटल पोर्शन डेट में और रिमेनिंग अमाउंट इक्विटी में। अगला वाला नाम से समझ में आ रहा है? टैक्स सेविंग। वो कह रहे भैया जहाँ लगाने लगाओ, हमारा मेन पर्पज तो टैक्स सेविंग है, हम इसलिए लगा रहे हैं कि टैक्स में थोड़ी छूट मिल जाए। ओके, these scheme offer tax rebate to the investors under the tax laws prescribed from time to time. agli wali aao zara special schemes, special scheme ko samajhne ke liye zara sabse pehle samajhte hain ye bsc nsc kya hota hai. suna hai kabhi? ha, bsc hota hai hamara bombay stock exchange aur nsc hota hai, ye do main stock exchange hai hamari country mein, theek hai. acha, have you ever heard about sensex and nifty? ये क्या होता है? हाँ, ये एक बहुत अच्छी लाइन बोली आपने कि सुना बहुत है पता नहीं है, है ना? तो ये एक वर्ड है जो हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। अच्छा, ये भी सुना होगा सेंसेक्स इतने पे चढ़ गया, सेंसेक्स बढ़ रहा है, हम लोग को सुनते सब रहते पता नहीं रहता क्या बढ़ रहा है ना, हो क्या रहा है। तो जरा पहले ये समझते हैं ये सब होता क्या है। बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और आपको ये पता है कि स्टॉक एक्सचेंज में होती है कंपनीज लिस्ट, ठीक है। नाउ ये कहा गया कि भाई हमें ये पता करना है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनका प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो उन्होंने कहा भाई कुछ का बढ़ रहा है कुछ का घट रहा है, तो हमने कहा एवरेज बता दो। फॉर एग्जाम्पल हमने पूछा कि क्लास में बच्चों के नंबर कैसे आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कुछ फेल है कुछ पास है, हमने कहा एक एवरेज बता दो। उसी तरह से जब स्टॉक एक्सचेंज से पूछा गया कि भैया तुम्हारे यहाँ जितनी कंपनी लिस्टेड है उनका प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्योंकि हम ये पता लगाना चाह रहे हैं हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उनसे कहा गया कि भाई कुछ कंपनी बढ़ा रही है कुछ घट रही है, तो उन्होंने कहा एवरेज फिगर बता दो हमको। तो उन्होंने कहा एवरेज कैसे, हमारी बीएससी में तो इतनी कंपनियां लिस्टेड है,
अब हम कहाँ तक एवरेज निकालते फिरेंगे? आई होप यू अंडरस्टैंड एवरेज कैसे निकलता है। उन्होंने कहा इतनी सारी कंपनी एवरेज कैसे निकालेंगे? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, एक काम करो, तुम टॉप 30 कंपनी का बता दो। ऐसा होता है ना क्लास में कि टॉप 10 बच्चों के मार्क्स बता दो, उससे लमसम आइडिया लग जाता है कि क्लास की परफॉर्मेंस क्या है। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उसमें से तुम टॉप 30 कंपनी उठा लो और उन टॉप 30 कंपनी का हमको एवरेज बता दो कि ये बढ़ रही है कि घट रही है। इससे हम पता लगा लेंगे कि इकोनॉमी बढ़ रही है कि घट रही है। ये टॉप 30 कंपनीज का जो एवरेज होता है ना, इसी को क्या कहा जाता है? सेंसेक्स। बेसिकली सेंसेक्स को सेंसिटिविटी इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, ये एक इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब एक फिगर है जो हमें एक इंडिकेशन दे रहा है। अभी पूरी कहानी सुनते जाना, कुछ लिखना नहीं। अब हमको बताओ, अगर हम आपसे ये कहें सेंसेक्स बढ़ रहा है, अब कल आपने न्यूज पढ़ी सेंसेक्स बढ़ रहा है, तो बताओ क्या मतलब हुआ इसका? बीएससी की जो टॉप 30 कंपनीज हैं, ऑन एन एवरेज उनका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। कई बार हम लोग न्यूज देखते सेंसेक्स धड़ाम हो गया, गिर गया, मतलब जो टॉप 30 कंपनीज है उनका प्राइस ऑन एन एवरेज गिर गया। अब बीएससी ने हमसे एक और चीज पूछी, बात तो तुम्हारी सब सही है, लेकिन हमको ये बताओ टॉप 30 कैसे निकाले? टॉप का मतलब क्या हुआ? टॉप निकालने का तरीका होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। तो अगर मान लो रिलायंस कंपनी के 100 शेयर मार्केट में हैं और एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है, तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया 1000 रुपए। ऐसे हमने सारी कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल लिए, उसमें से हमने टॉप 30 उठा ली। ठीक है, हमको ये बताओ अपने दिमाग से सोच के, ये टॉप 30 कंपनी क्या हमेशा सेम रहती होंगी? नहीं, क्योंकि ये चेंज होता है, मार्केट प्राइस चेंज होता है। मार्केट प्राइस चेंज हुआ, मार्केट प्राइस चेंज हुआ तो मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज हुआ, मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज हुआ तो टॉप 30 की लिस्ट चेंज हो गई। लेकिन अब वही बात आ गई फिर से, ये टाटा है, ठीक है, रिलायंस है, ब्लू चिप कंपनीज जिनको हम लोग कहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, क्योंकि इनके इतने शेयर हैं मार्केट में और इतना हाई प्राइस है, ये टॉप कंपनीज हैं, इसलिए ये इस टॉप की लिस्ट में रहती ही हैं। तो नॉर्मली ये इस टॉप 30 की लिस्ट में आ ही जाती है। ओके, तो सेंसेक्स जो होता है वो हमें इंडिकेशन देता है किसका? बीएससी का। जैसे सेंसेक्स बीएससी का है, वैसे ही एनएससी के लिए कौन होता है? ये भी दूसरा भाई सुना होगा आपने, निफ्टी। ठीक है, बस निफ्टी में कितनी कंपनीज होती हैं? 50। इसको ऐसे याद रखना, निफ्टी 50, 50-50 नहीं, निफ्टी 50। ठीक है, तो निफ्टी 50 याद रहेगा तो बीएससी की 30 याद रहेंगी। ओके, तो निफ्टी एनएससी से कहा जाता है कि तुम अपनी टॉप 50 उठा लो और टॉप 50 का हमको एवरेज बताओ, और वो एवरेज जो होता है वो कहलाया जाता है निफ्टी। ये बात समझ में आ गई? तो अब आज के बाद जब आप न्यूज सुनेंगे सेंसेक्स बढ़ गया है, तो कूद कूद के घर वालों को बताएंगे, पता है इसका मतलब क्या है? हमको पता है ना, ऑन एन एवरेज कंपनीज का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। क्लियर? अब आगे की बात समझो, ये तो हमने आपको बताया सेंसेक्स निफ्टी क्या होता है। ठीक है, अब आगे की बात समझिए, हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं और हमने म्यूचुअल फंड कंपनी से कहा कि सुनो मेरा पैसा तुम ऐसे लगाओ कि मेरा पैसा सेंसेक्स के हिसाब से चले। मतलब सेंसेक्स के हिसाब से चलने का मतलब ये हुआ, अगर सेंसेक्स बढ़े तो मेरा भी रिटर्न बढ़े, अगर सेंसेक्स गिरे तो मेरा भी गिर जाए, यानी मेरा पोर्टफोलियो सेंसेक्स लिंक्ड होना चाहिए। तो बीएससी उसने बोला म्यूचुअल फंड ने, ठीक है हम एक काम करते, हम तुम्हारा पैसा उन्हीं टॉप 30 कंपनी में लगा दे रहे। सोच के देखो, अगर हमने तुम्हारा पैसा, तुमने 100 रुपए दिए, हम तुम्हारे 100 रुपए उन्हीं टॉप 30 कंपनीज में लगा दे, तो अल्टीमेटली जब वो टॉप 30 बढ़ेंगी तो तुम्हारा रिटर्न बढ़ेगा और तभी सेंसेक्स बढ़ेगा, और वो टॉप 30 गिरेगा, तुम्हारा गिरेगा, सेंसेक्स भी गिरेगा। ऐसे पोर्टफोलियो को सेंसेक्स लिंक्ड पोर्टफोलियो कहा जाता है। ठीक है, तो देखो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, स्पेशल स्कीम्स। स्पेशल स्कीम्स में क्या होता है, देखो दिस कैटेगरी इंक्लूड, जिसमें अलग अलग तरीके की होती है, जिसमें पहली वाली होती है दिस कैटेगरी इंक्लूड्स इंडेक्स स्कीम। जरा अब लाइंस देखना, दैट अटेम्प्ट टू रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स सच एज बीएससी सेंसेक्स और एनएससी 50 या निफ्टी जो बोल लो,
इस लाइन का मतलब समझे, रेप्लीकेट द परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स. रेप्लीकेट मतलब जैसे सेंसेक्स का मूवमेंट होगा वैसे हमारे स्टॉक का मूवमेंट होगा. ठीक है, तो स्पेशल स्कीम्स में एक हो गई ये इंडेक्स स्कीम, और दूसरी होती है इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम. अब इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम या सेक्टोरल स्कीम, इन्होंने बता दिया भाई हम इस इंडस्ट्री में लगाना चाह रहे हैं पैसा, तो उनका पैसा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही लगा दिया जाएगा. अब किसी ने कहा हम इस सेक्टर में लगाना चाह रहे हैं तो उनका पैसा उस सेक्टर में लगा दिया जाएगा. किसी ने कहा हम रियल एस्टेट सेक्टर में लगाना चाहते हैं तो रियल एस्टेट में लग जाएगा. तो स्पेशल स्कीम में तीन कैटेगरीज आती हैं, एक होता है इंडेक्स बेस्ड, एक होता है, देखो इसको मार्क कर लो वरना कई बार लगता है कि स्पेशल स्कीम ही इंडेक्स है. स्पेशल स्कीम में एक इंडेक्स स्कीम आएगी, एक आएगी इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम, और एक आएगी सेक्टोरल स्कीम. ठीक है, ये तीन तरीके की आएंगे. ओके, तो जहां जहां पैसा लगाना हो वहां वहां पर लगाया जा सकता है. लास्ट में देखो लिखा है सेक्टोरल फंड स्कीम आर आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स हु हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर सेक्टर और सेगमेंट. आपने डिसाइड कर लिया इस सेगमेंट में लगाना है तो आप सेक्टोरल स्कीम में लगा दो. ओके, और उसके ऊपर एक लाइन लिखी थी, जरा देखो, इंडेक्स फंड स्कीम आर आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर सैटिस्फाइड विद अ रिटर्न approximately equal to that of an index. ये बात समझ में आ गई? Index fund वालों का return लगभग उतना ही होगा जितना Sensex का होगा या Nifty का होगा. तो special schemes में ये तीन तरीके की अलग-अलग schemes आती हैं. Any doubt? पक्का? ठीक है? उसके बाद अगली दो देखो normal है. Guess करके बताओ real estate fund पैसा कहाँ लगा रहा होगा? Real estate में. और offshore fund कहाँ लगा रहा होगा? India के बाहर. ठीक है, फाइन. तो यहां तक की अभी हम लोगों ने स्कीम्स पढ़ी हैं. लेवरेज फंड्स, हेज फंड, ये अगेन बड़े टॉपिक्स हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो एक बार जरा स्कीम्स हमें क्विकली बताओ. सबसे पहली कौन सी थी? इनकम ओरिएंटेड. ये कहां लगा रहे थे? डेट में. दूसरी कौन सी थी? ग्रोथ ओरिएंटेड. ये कहां लगा रहे थे? इक्विटी में. तीसरी कौन सी थी? हाइब्रिड. ये कहां लगा रहे थे? दोनों में. ठीक है, फोर्थ कौन सी थी? हाई ग्रोथ, हाईली रिस्की कंपनीज में लगा रहे थे. फिर कौन सी थी? कैपिटल प्रोटेक्शन स्कीम, जिसमें कैपिटल पोर्शन डेट में लगा के इंटरेस्ट पोर्शन इक्विटी में लगा दिया. टैक्स सेविंग स्कीम, जो टैक्स सेविंग्स ऑफर कर रहे हैं. और स्पेशल स्कीम्स, जिसमें कि इंडेक्स फंड आ गए, ठीक है, सेक्टोरल फंड्स आ गए, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम्स. एलिमेंट्स कौन कौन से थे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, बताइए. सबसे पहले होता है स्पॉन्सर, जिसने पूरा म्यूचुअल फंड बनाया है. फिर कौन कौन होता है? एएमसी, जो कि इन्वेस्टमेंट्स डिसाइड करता है. कस्टोडियन, जिसके पास पैसा और सिक्योरिटीज की कस्टडी में जिसके रखी जाती है. और पेपर वर्क करने के लिए कौन होता है? आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट. और ये सब लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए कौन होता है? ट्रस्टी. ठीक है, दो रेगुलेटर्स हैं इनके. सबसे पहले रेगुलेटर कौन हुआ? सेबी. और एएमसी का रेगुलेटर कौन हुआ? एमपी. एनी डाउट? पक्का समझ में आ रहा है? चलो इसको यहाँ स्टॉप करेंगे. ठीक है, इसके आगे विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर.